नमस्कार, मैं मोहन दुबे, वीएसआरएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। आज गीता जयंती और स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती का शुभ अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि गांव गरीब के विकास को अटल जी ने प्राथमिकता दी है और किसानों से जुड़ी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अटल जी काम करते हैं। पीएम ने बताया कि अटल जी ने तब तंज कसा था कि रुपया चलता है तो घिसता है, लेकिन आज पैसा सीधे गरीबों के खाते में पहुँच रहा है। जम्मू कश्मीर के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर की दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत नाम की योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में प्रतिदिन हो रहे सैकड़ों हत्याएं, लूट, अपहरण और रेप की घटनाएं ही भाजपा नेता सरकार की मुख्य उपलब्धियां हैं। गृह मंत्री इस्तीफा दें। वहीं दूसरी तरफ बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस के अपने तर्क हैं। पुलिस का कहना है कि राज्य में हत्या के जो मामले सामने आए हैं उनमें से अधिकतर घटनाओं के पीछे जमीनी विवाद या आपसी रंजिश वजह है। बिहार में कांग्रेस दल के नेता लगातार शराबबंदी कानून पर सवाल उठा रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि 21 दिसंबर को पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस कर्मियों को शराब नहीं पीने की जो शपथ दिलाई है उसके लिए मैं पुलिस विभाग का मुखिया होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूँ। देश में केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले एक महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान कई बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जन नायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला पर इस्तीफा देने का दबाव बना चुके हैं। इस बीच अब दुष्यंत चौटाला ने अपने इस्तीफे को लेकर बड़ी बात कही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि वो हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने में अक्षम है। नए वर्ष में 4 जनवरी से बिहार में स्कूलों, कॉलेजों सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई शुरू हो रही है। लिहाजा इस बाबत बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए कुछ निर्देश और प्रोटोकॉल जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण से विद्यार्थियों को बचाने के लिए कई एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल में 50% छात्र ही मौजूद रहेंगे। ऐसे में छात्रों को ऑड इवन रोल नंबर से पढ़ाई होगी जिससे सभी को मौका मिल सके। किसी भी कीमत पर 50% से अधिक उपस्थिति स्कूलों में नहीं हो सकती है। इसके अलावा छात्रों के बीच कम से कम फीट की दूरी अनिवार्य हो। भारतीय क्रिकेट टीम कल मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेलेगी। बीसीसीआई ने एक दिन पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में अंजिक्य रहाणे कप्तानी संभालेंगे। चेतेश्वर पुजारा उप कप्तान होंगे और ऋषभ पंत विकेट कीपर होंगे। शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज टेस्ट मैच में डेब्यू करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर नववर्ष के आयोजनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुणे जिला प्रशासन ने कुछ जगहों पर रात में कर्फ्यू लगाने की अनुमति के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। जिलाधिकारी राजेश देशमुख ने कहा कि प्रशासन पुणे नगर क्षेत्र के आसपास के कुछ इलाकों और लोनावला, एमबी वैली, मुल्ची बांध, तहमिनी घाट, खड़कवासला और लवासा जैसे पर्यटक स्थानों पर 25 दिसंबर की मध्य रात्रि को 5 जनवरी तक रात में कर्फ्यू लगाने के आदेश दिया गया है। पुणे महानगर पालिका सीमा के सभी स्कूल 4 जनवरी से खुल जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। स्कूलों के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। जो स्कूल नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुणे जिले में कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद ये निर्णय लोकल गवर्नमेंट ने ली है। पिंपरी चिंचोड़ महानगरपालिका ने छोटे पालतू जानवरों की मृत्यु के बाद शुरू मुफ्त अंतिम संस्कार को बंद कर दिया है। अब इसके लिए 1,000 रूपए शुल्क लगाया गया है। ऐसा एक प्रस्ताव स्थायी समिति में पारित हुआ है। पशु चिकित्सा विभाग की ओर से 2,000 रूपए शुल्क लगाने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन सभापति संतोष लोंडे ने 1,000 रूपए शुल्क लगाने की मान्यता दी है।